तो भाई लोग, जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई कितना घुमक्कड़ इंसान है, तो आज हम घूमते घूमते इस गांव में आ गए थे। और इस गांव में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। तो चलिए चलते हैं, मैंने क्या क्या सीन देखे इस गाँव में आपको मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इस गाँव में आया तो सबसे पहले तो मुझे ये टंकी दिखाई दी। अब इस टंकी को देखकर मुझे अपने जय वीरू की याद आ गई। जय वीरू की फिल्म नहीं है वो, एक क्या नाम है उसका, शोले। शोले में वो ऐसी टंकी पे खड़े होकर बोलता है, मौसी मौसी जी मुझे बसंती से ब्याह करना है। कुछ इस टाइप का वो बोलता है भाई, बहुत जबरदस्त लगता है। वो सीन मुझे याद आ गया। अब क्या हुआ, ये सीन देखने के बाद में हम कुछ आगे बढ़े, जिस सीन को देखकर मैं एकदम हैरान हो गया था। तो भाई ये वो घर है और इसमें ये गेट है। अब आप देख सकते हो इसमें कितनी जबरदस्त कलाकारी करी है। आप वो बैल हिरन भी ये दोनों बैल ऊपर के है ना, और एक मिट्टू है और एक हिरन है। और इधर साइड में ये मोर है। हाँ अपना घोड़ा गधा। हाँ गधा है शायद। अच्छा घोड़ा है क्या? अरे गाय है। आपको ये गेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस गेट की जो कलाकारी है, जो आर्ट है, उससे हमको क्या मैसेज मिलता है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये सीन देखने के बाद मैं यहाँ से तो निकल गया। अब मुझे क्या पता था कि आगे जाकर इतनी बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। दरअसल मुझे ये बहुत ही ख़राब रोड मिल गया, इससे मुझे जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। कम से कम ये 2 किलोमीटर का रास्ता था और कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया इसमें से निकलते हुए। अब आपने हमारे बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना ही होगा कि बुरा समय भी कुछ ही पल का होता है। तो बस हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जैसे ही ये रोड ख़त्म होता है तो हमारा स्वागत करने के लिए ये ब्यूटीफुल प्लेस सामने मिलता है। पता ही नहीं चला कि कब बैतूल शहर से हम 80 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब शाम के 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर के लिए वापस लौटता हूँ तो ये चांदनी सी रात हमारा स्वागत करते हुए हमें घर की ओर ले जा रही थी। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा चांद था और उसके साइड में एक अपना स्टार, इतना प्यारा लग रहा था ना भाई कि बता नहीं सकता मैं आपको। और ना ही उसको मैं कैमरे में कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको आइस से ही देखने को मिलती है, क्योंकि आइस के जो मेगापिक्सल है वो हमारे कैमरे के नहीं है। इसीलिए आपको ये मिनी व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग जब भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल मेरे भाई लोग।